परिवार में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले कालांश में जो उदय क्लास में आपको पढ़ाया गया था वो 1 से 30 तक गिनती का अभ्यास कराया गया था। आज हम आपको 41 से और 80 तक की गिनती का अभ्यास करवाएंगे। पिछले कालांश में जो आपको बताया गया था कि जो भी कार्य हमको करना है पूरे खाने में बैठकर करना है और सुंदरता के साथ करना है और बोलकर करना है। जितना हम बोलकर करेंगे हमको गिनती का अभ्यास उतना ही अच्छा होगा और गिनती की पहचान भी हमको उतनी ही अच्छी तरीके से याद रहेगी। मैं बीच बीच में आपको गिनती की पहचान भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से हमको लाइन को पकड़नी है और उसका अभ्यास करना है। 41, अब ये जो लाइन है 41 की, दोनों खाने 4 और 1 दोनों बराबर अंक है। 4 और 1 समान अंक के साथ दोनों खाने में लिखेंगे और लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। 41, 42, अब इस लाइन में क्या है खास बात है कि इस लाइन के अंत में हमको लीज का प्रयोग आ रहा है। लीज का जब भैया भाई पकड़ेंगे लीज तो इसका मतलब है कि हम 4 की लाइन लिख रहे हैं, है ना। ठीक है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, और ये 50। 50 के बाद हम अगली पंक्ति जब लिखेंगे तो हमको एक खाना छोड़कर दूसरी पंक्ति लिखनी है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, और 5 की लाइन में क्या है इसमें वन और पन ये दो अंक में बुला कर आते हैं। जब भैया समझ जाएंगे कि वन और पन का मतलब है 5 की लाइन लिख रहे हैं तो उनको 5 की लाइन पकड़ में आ जाएगी। 56, 57, 58, 59 और ये 60 है ये 59 यानी 60 से एक कम तो उसको बोलते हैं 59। इसमें भी सर्ट निकल रहा है, 60 के पहले लिख रहे हैं 59 और ये 60। अगली पंक्ति को ये खाना छोड़ के पूरे खाने में लिखना है 61। अब 61 वाली लाइन में क्या है 60, पूरी लाइन में 60 आएगा। 60 का मतलब है कि 6 की लाइन लिख रहे हैं। 61, 62, 63, 64। अब 64 तक ये बोलने में शुद्ध बोलते हैं और बोलते बोलते शुद्ध बोलते हैं तो फिर अशुद्धि लिखते हैं। अब ये 64 है। 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69 और ये करारा इसमें इसका मतलब है 70। इसके बाद 70 से पहले 69 दोनों में समानता है। अब अगली पंक्ति लिखेंगे तो 70 आएगा इसमें, अगली पंक्ति में तरी करारा जैसे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80। हमने इस प्रकार 1 से लेकर 80 तक गिनती का अभ्यास कर लिया है। आप सभी भैया बहनों से अपेक्षा करते हैं कि आप जो गृह कार्य करोगे चौंकाने वाली कॉपी में 1 से 80 तक की गिनती पूरे खाने में बोलकर लिखनी है। ये आपका गृह कार्य, इसको पूरा करना है। नमस्कार।